हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि Base64 UART कैसे बनाते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है? जहाँ हम लोग फाइल अपलोड करते हैं ना, फाइल इनपुट टाइप फाइल, अब से हम लोग इमेज अपलोड करते हैं तो उसे डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले तो हम एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ले लिया और ये फाइल नाम दे दिया। एक आईडी ले लेते, आईडी फाइल आप ले लिया मैंने। और एक इमेज टैग ले लेते जिसका नाम भी इमेज टैग ही दे देते हम, आईडी इमेज आईएनजी टैग दे देते। ओके टैग, ठीक है। ये दोनों को एक एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते, वेरिएबल स्क्रिप्ट तो लिख लो, सॉरी स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। क्या एक है इनपुट, ओके तो इनपुट का क्या आईडी है, तो इसे ऐसे कॉल कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसका आईडी का नाम फाइल आप कॉपी पेस्ट, ओके। और इसका क्या है इमेज, तो हमने इमेज का नाम इमेज रख दिया। और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका मेन आईडी हो गया। ये दोनों को हमने स्टोर कर लिया। अभी इसका यहाँ देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ जो है इसका, जब चाहो तो इसे, जैसे कि हम अभी यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमको PHD भी शो कर रहा है, PNG भी शो कर रहा है, JPG भी शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं तो PNG JPG ओनली शो करवाना, वो भी कर सकता है। यहाँ एक एट्रीब्यूट पास करना होगा, एक्सेप्ट इमेज स्लैश JPG। हाँ अभी शो हो रहा है, तो मैंने जेपीजी और इमेज तो पीएनजी को शो करवाया, मतलब एक्सेप्ट करवाया, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आगे चलते हैं और हम लोग बेस यूआरएल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम पहले से तो वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अभी तो हम इवेंट करेंगे। तो क्या करते हैं इनपुट, कौन से इवेंट में करेंगे, चेंज से चेंज इवेंट में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन रन करेंगे और फंक्शन में एक इवेंट पास करते हैं। देखता हूँ इस इवेंट में क्या शो होता है। कंसोल डॉट लॉग में ये देखिए इवेंट पास किया मैंने, तो ऑन चेंज में इवेंट में इवेंट शो हुआ। और हम लोगों को चाहिए ये जो टारगेट है, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम तो नहीं हुआ। तो ये देखिए इनपुट कहाँ गया, इनपुट यहाँ हमको फाइल मिलेगा, फाइल फाइल हाँ ये मिल गया, फाइल index 0। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसे हम लोगों को टारगेट बनाना है। तो हम उसे जैसे सिलेक्ट करते हैं अरे सिलेक्टर के टाइप से, वैसे ही हम करेंगे। तो क्या करना है इनपुट इनपुट, चलो वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फाइल नाम देते हैं उसका। हम लोग क्या करेंगे, फाइल को स्टोर करेंगे। तो इनपुट डॉट फाइल्स और इसका इंडेक्स नंबर 0 था,
हो गया स्टोर। आप इधर चेक भी कर सकते हैं या कंसोल करके तो क्या हुआ है। तो आप ये देखिए, हाँ ये देखिए हो गया स्टोर हो गया। ये ऑब्जेक्ट सारे मिल रहे हैं, हम चाहे तो इसका नाम साइज वगैरह सब कुछ शो करवा सकते हैं। तो अभी वो नहीं चाहिए, हम लोगों को बेसिक वर्ल्ड बनाना है तो वो चाहिए। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइल रीडर। तो एक वेरिएबल लेते हैं रीडर, रीड फाइल, ओके न्यू फाइल रीडर ये वाला। इसके बारे में आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, और भी काम होता है जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप के भी काम इससे ही हो जाता है। तो आगे चलते हैं, और इस फाइल रीडर से हम क्या करेंगे, इस ये जो फाइल का डेटा है ना वो रीड करेंगे। कैसे करेंगे, ये फाइल रीडर रीड फाइल डॉट, ये जो क्या है डेटा रीड एज डेटा यू आर एल, ओके डेटा यू आर एल। किसका डेटा यू आर एल, इस फाइल का। कंफ्यूज मत होना, एक सेकेंड इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। फिर फाइल ओके फाइल इनपुट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे होंगे। तो ये चेंज कर दिया मैंने, एक्चुअली ये फाइल और ये फाइल अलग है, इसमें ये स्टोर है, ठीक है। ये जो है ना इसमें स्टोर है, तो इसे मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, हो गया। अभी तो ये रीड कर रहा है, अभी इसे मैं शो करूँगा ऑनलोड पे। ये रीडर रीडर फाइल डॉट एड इवेंट लिसनर, ओके लोड लोड पे हम क्या करेंगे फंक्शन, हो गया। चलो ये हो गया, अभी इसे कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ। लॉग तो लिख लो, कंसोल डॉट लॉग में हम क्या देखेंगे, ये जो रीडर फाइल का रिजल्ट डॉट रिजल्ट। क्या रहा है भाई, अरे कंसोल का स्पेलिंग मिस हुआ। इस वेली कंसोल डॉट लॉग, चलो हो गया। हाँ पेसी वर्ड हमें मिल गया, तो हम इसे इमेज में सेट करेंगे, इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, एसआरसी ये इसका एट्रीब्यूट है, और इसमें हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा हुआ कोडिंग में नाम देते हैं इसका इमेज यूआरएल, और इसे स्टोर कर लिया, और हम इसे यहाँ शो कर रहे हैं। चलो देखते हैं, अभी चेंज करके एक इमेज अपलोड करते हैं। याहू आ गया, इमेज का जो साइज है ना थोड़ा छोटा कर देता, बहुत बड़ा कर, तो इसका साइज हम कर देते 80 पिक्स, ओके लेट्स चेक व्हाट हैपन, अपलोड हो जा, हो गया। चलो हो गया काम।
तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।